वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में बजट पेश किया। सरकार ने सदन में 89,230 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार में विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है। वित्त मंत्री ने सरकार की प्राथमिकताएं भी गिनवाई। बता दें कि सरकार ने सदन में 89,230 करोड़ का बजट पेश किया है, साथ ही उत्तराखंड के इतिहास का इसे सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल का यह बजट ज्ञान पर आधारित है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति यानी ज्ञान को फोकस में रखकर बनाया गया है। भारत की तर्ज पर 18 राज्य बीमा योजना को संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया है। 108 का आपातकालीन सेवा के अंतर्गत राज्य में 272 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के माह दिसंबर 23 तक 108 एम्बुलेंस द्वारा 1,15,749 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इस क्रम में स्वस्थ उत्तराखंड की दिशा में किए जा रहे कुछ प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लगभग 1,010,66,00,000 का प्रावधान किया जा रहा है। बाह्य सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 105,74,00,000 रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 96,96,10,00,000 का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी जब ऊंची उड़ान के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। बजट भाषण के आगामी अंश में प्रदेश की समृद्धि हेतु बजट में किए जा रहे प्रयासों को 7 बिंदुओं में समेटते हुए सामान्य सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये 7 बिंदु हैं: रोजगार सृजन, इकोलॉजी एवं इकोनॉमी के विशेष परिप्रेक्ष्य में निवेश प्रोत्साहन, अग्रणी उत्तराखंड के लिए सुदृढ़ संरचना का निर्माण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार हेतु फोकस, पर्यटन विकास एवं संस्कृति संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान, शहर और गांव के संतुलित विकास के प्रयास, सुरक्षित उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड, विकल्प रहित उत्तराखंड। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इन बिंदुओं पर आगे बढ़ूं उससे पहले पुनः राष्ट्रपति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अवसर पर व्यक्त प्रेरक शब्दों को यहाँ मैं उद्धृत करना चाहूँगा। सामर्थ्य से भरी यह देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे ध्येय वाक्य सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण से अनेक बाधाएं दूर हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब महज शब्द नहीं अपितु यथार्थ है। एकल खिड़की व्यवस्था के अंतर्गत 28 विभागों की 202 सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। निवेशकों की सुविधा के दृष्टिगत कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में 155 फील्ड के स्थान पर 45 फील्ड कर दी गई हैं। अध्यक्ष जी, प्रसंगवश प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए रोजगार सृजन, इकोलॉजी एवं इकोनॉमी के विशेष परिप्रेक्ष्य में बढ़ते हुए निवेश के आलोक में कुछ विशेष बजट प्रावधानों का यहाँ उल्लेख करना चाह रहा हूँ। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेगा इंडस्ट्रियल, मेगा टेक्सटाइल नीति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 17,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन के संबंध में निजी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु
पूर्व में प्रचलित जल विद्युत नीतियों में विभिन्न छूट संबंधी अधिसूचना 2023 में जारी होने के उपरांत 18 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन निजी विकासकर्ताओं को किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, बजट पेश कर दिया गया है, वित्त मंत्री ने सदन में बजट पेश किया, क्या कुछ राज्य की जनता के लिए खास हुआ? आज के इस बजट पे ये कह सकते हैं कि राज्य के लिए समावेशित बजट ये कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने जो वायदा जनता से किया था, चाहे वो यूसीसी का वायदा हो या फिर राज्य में विकास की योजनाओं को सरलीकृत करने का वायदा हो, वो वायदा पूरा होता हुआ अब तक इस बजट पर दिखा है। 90,230 करोड़ का बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया और ये पिछली बार की तुलना में कहा जा सकता है कि बढ़ा हुआ बजट है। और इस बार सरकार ने जिस तरीके से इस बजट को पेश करने का काम किया तो इसे सरप्लस बजट भी कहा जा सकता है। सरकार की कोशिश यही है, धामी सरकार की, कि राज्य में जो विकास की योजनाएं संचालित है उन योजनाओं को और बृहद रूप यहां पर दिया जा सके। खासतौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने का जो काम सरकार की तरफ से चुना गया उस काम को पूरा करने का माध्यम इस बजट में दिखा गया और इस बजट को पूरा करके राज्य सरकार महिलाओं के हित का बजट, राज्य के लिए सर्वांगीण विकास वाला बजट यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है। धामी सरकार ने जो वायदा किया था उस वायदे की झलक इस बजट पर दिखती है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो नवाचार की जो कोशिश यहाँ पर की गई है उस बजट में उन सब चीज़ों को समावेशित करने का काम किया गया है। कोशिश यही है सरकार की कि बजट के माध्यम से जो विकास की रफ्तार है उस रफ्तार को और तेज किया जा सके। उत्तराखंड राज्य के लिए जो लक्ष्य सरकार ने चुना है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और उसके लिए कोशिश यही है कि अब तक जो सरकार के जो प्रयास है उन प्रयासों को इस बजट के माध्यम से और तेज करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि आज जो बजट पेश सरकार की तरफ से सदन के पटल पर रखा गया उस बजट को और विस्तृत रूप से और बृहद रूप से बनाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है और आम जनता के लिए बजट है। जैसे ही विभागवार इस बजट का पाठन होगा तो उस समय इन सब जो बजट की जो खूबियां हैं जो कमियां हैं वो सदन के पटल पर आने का काम करेंगे। अभी वित्त मंत्री की तरफ से इस बजट को पेश किया गया और साथ ही राज्य की जनता को एक उम्मीद यहां पर दी गई है कि उन्होंने जो सपने देखे उन सपनों को पूरा करने का काम इस बजट के माध्यम से किया जाएगा। जी अब है, अगर हम बात करें तो ये भी इस लिहाज से भी ये बजट खास रहा क्योंकि 24 साल के इतिहास में जो बताया जा रहा है भोजनावकाश के पहले जो इस बार बजट पेश किया गया है, क्योंकि जब देखा जाता था तो भोजनावकाश के बाद बजट को सदन के पटल पर रखा जाता था, लेकिन इस बार करीब 12:30 बजे के करीब जो है बजट पेश किया गया। बिल्कुल, राज्य का जो 24 साल का इतिहास अब तक कर रहा उस इतिहास में पहली बार ऐसा संयोग यहाँ पर है धामी सरकार की तरफ से। ये कह सकते हैं कि जो सदन की परंपराएं थी खासतौर पर उसे बदलने का काम यहाँ पर हुआ और 24 साल के बाद ये कह सकते हैं कि 24 साल में पहली बार बजट को दोपहर बाद नहीं बल्कि दोपहर के समय प्रस्तुत करने का काम सरकार की तरफ से किया गया। इससे पूर्व में जब भी बजट पेश हुए हैं सरकार की तरफ से, जब भी बजट सदन के पटल पर पेश किए जाते थे तो दोपहर बाद यानी 3 से 4 बजे के बीच का समय यहाँ पर होता था। 4 बजे अमूमन 4 बजे बजट को सदन के पटल पर रखा जाता था, लेकिन इस बार ये कह सकते हैं कि सरकार ने उस जो परंपराएं थी उन परंपराओं को बदलने का काम किया और 12:30 बजे यानी दोपहर के समय ही 12:30 बजे उस बजट को सदन के पटल पर रखने का काम किया गया। वित्त मंत्री की तरफ से पहले बजट के अभिभाषण को यहाँ पर पढ़ाया गया, यानी लोगों की जो उम्मीद है उन उम्मीदों पर किस प्रकार से धामी सरकार आगे बढ़ रही है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा उन योजनाओं को बताने का काम किया गया। ये कोशिश की गई कि जो राज्य सरकार ने जो पिछला जो बजट था उस बजट को किस तरीके से जनता तक सुगम बनाने का काम यहाँ पर किया, तो उन सब चीज़ों की कोशिश की गई। अब ये कहा जा सकता है कि आज जो बजट यानी 90,230 करोड़ का जो बजट यहाँ पर पेश हुआ है, 90,230 करोड़ का जो महाबजट यहाँ पर सरकार ने पेश किया वो राज्य के विकास का बजट होगा और उससे आने वाले दिनों में उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में, विकसित राज्य की श्रेणी में शुमार होने के लिए मददगार साबित होगा। जी जी खास तौर पर बताया जा रहा है कि इस बार जो छात्रों के लिए भी कई सारी जो है स्कीम सरकार लाएगी, जैसे कि शैक्षणिक भ्रमण पर जो है छात्रों को भेजा जाएगा, इसके अलावा जो सरकारी विद्यालय है वहाँ भी व्यवस्थाएं तंदुरुस्त कराई जाएगी। देखिए, सरकार का प्रयास यही है कि राज्य में जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा की जो गुणवत्ता और बेहतर यहाँ पर हो सके,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुदृढ़ीकरण यहाँ पर आ सके, यानी खासतौर पर राज्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य के सेक्टर में कई नवाचार योजनाएं संचालित करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। प्रयास यही है सरकार का कि इस बजट के माध्यम से जो विकास की रफ्तार वो तेज यहाँ पर हो सके और उत्तराखंड के जो दूरस्थ वाले जो क्षेत्र हैं, यानी खासतौर पर जो ग्रामीण जो सेक्टर है, उन ग्रामीण सेक्टर्स को मजबूत करने का काम सरकार के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। जो बजट पेश हुआ उस बजट में उन सभी नवाचार यानी उन सभी नई योजनाओं का जिक्र यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया। जी अब है हम बात करें तो उत्तराखंड में अक्सर ही जो है रास्तों को लेकर हादसे होते रहते हैं, हमने हाल ही में देखा है, लेकिन इस दौरान जो है इस बार सभी पुलों की मरम्मत या फिर सड़क वगैरह सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी बजट में कुछ खास चीज़ें जो है पेश की गई है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस समय बढ़ा हुआ बजट पेश करा है, महाबजट इसको कहा जा सकता है। पिछली बार की तुलना में इस बार भी कम से कम ये कह सकते हैं कि उसमें लगभग 2000 करोड़ की वृद्धि यहाँ पर की गई है। और ये कहा जा सकता है कि जो बजट इस समय सरकार की तरफ से उस पेश बजट में अभी तक की जो स्थिति रही है, यानी अभी तक विभागवार बजट को बताने का काम नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो बजट के अभिभाषण में जो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बातें कही है, उन बातों के माध्यम से स्पष्ट हो चुका है कि राज्य सरकार प्रदेश में विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहती है। उसके लिए जो सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था यहाँ पर सरकार ने कर दी है। नई जो योजनाएं, उन योजनाओं के लिए भी फंड की व्यवस्था यहाँ पर सरकार की तरफ से हो चुकी है। ऐसे में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या रोजगार सृजन के अवसर हो, उन सभी में वृद्धि करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और अभी के जो माध्यम है उस माध्यम में अभी जो स्थितियां उन स्थितियों में कहा जा सकता है कि सरकार अपने रास्ते में अपने उद्देश्यों में सफल होती हुई भी नजर आई है। जी जी ये भी बताया जा रहा है कि सभी जो है जिला मुख्यालयों में स्टेडियम बनाए जाएंगे, इसके अलावा सभी जिलों में स्वरोजगार के लिए भी जो रोजगार के लिए युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्वरोजगार कार्यालय भी ओपन किए जाएंगे। बिल्कुल, इसे यह समझा जा सकता है कि इस साल में 2024 में ही उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, तो ऐसे में खेल प्रतिभाओं को एक मंच मिल सके, बेहतर मंच के माध्यम से उनके खेलों का निखार यहाँ पर उनके खेलों का संरक्षण किया जा सके, उनको सम्मान मिल सके, उसके लिए सरकार की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि हर जिला मुख्यालय पर एक स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर कराया जा सके, जो राज्य की जो खेल प्रतिभाएं उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जा सके और उत्तराखंड राज्य खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। अभी तक यह कहा जा सकता है कि पूर्व में जो स्थितियाँ थी उन परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव यहाँ पर हुआ है। राज्य के जो उदयमान खिलाड़ी हैं उनके लिए मुख्यमंत्री उदयमान योजना के तहत एक प्रोत्साहन राशि भी यहाँ पर दी जा रही है। अभी तक जो ये कह सकते हैं कि जो खेलो इंडिया के तहत जो कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं, जो खेल के जो कार्यक्रम हुए उनके में अनुकूल प्रतिभाएं देखने को मिली है, यानी होना जो प्रतिभाएं प्रतिभावान जो छात्र हैं या युवा हैं वो आगे चलकर आ सके, उसके लिए व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जिला स्तर पर उन सभी चीज़ों के लिए व्यवस्था यहाँ पर, यानी खेल विभाग की तरफ से भी कोशिश यही है, उत्तराखंड राज्य को कैसे श्रेष्ठ राज्य बनाना है उसके लिए हर विभाग का सहयोग जरूरी है। हर विभाग के जो अधिकारी या जो योजना हर विभाग संचालित हो रही है उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट धरातल पर अच्छे से हो सके, उसके लिए प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी अब है अगर हम महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, तो इनके लिए इस बजट में क्या सौगात जो है सरकार की ओर से पेश किया गया है? जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं संचालित अब तक की गई थी और इस बजट के माध्यम से उन योजनाओं को और सशक्त बनाने का काम यहां पर किया जा रहा है। यानी जो योजनाएं अभी तक ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुँच पाई थी उन योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुँचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश यही है सरकार की कि राज्य में जो महिलाएँ हैं, राज्य की जो रीढ़ कही जाती है, उन महिलाओं को और मजबूत और सशक्त बनाया जा सके। उसके लिए चाहे लखपति दीदी योजना का माध्यम हो, महिला सहायता समूह के आधार हो, या फिर दूसरे ग्रामीण स्तर पर जो महिलाएं काम कर रही है, चाहे उनके लिए चारे की व्यवस्था, उन चारे के माध्यम से उनके आर्थिकी को मजबूत करना हो, चाहे जो दूसरी योजना है, चाहे महिलाओं को महिला सहायता समूह के माध्यम से ऋण, छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराने का हो, उन सभी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो कोशिश हमारी सरकार की यही है कि राज्य का हर सेक्टर मजबूत हो, विकास की जो रफ्तार हो तेज हो सके और खासतौर पर युवा महिलाएं और बुजुर्ग उनको योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके, ऐसा प्रयास हमारी सरकार ने किया है। जी